कैसे हैं आप लोग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुकी है, सुबह क्या 10 बज चुके हैं और बच्चे स्कूल चले गए 8 बजे और इसके पापा भी चले गए और सब काम हो गया। ये जोत मैंने नहीं जलाया क्योंकि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। तो ये जोत इसके पापा ने नहा धोवा के पूजा करके गए हैं, इसके पापा जोत जला के। मैं अभी नहाई नहीं हूँ, अभी सिर्फ सो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सो रहा है। ये देखिए ये सिर्फ सो रहा है। तो जब तक ये सो रहा है मैं अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। ये देख कैसे सो रहा है। अभी इसके पैर हिलने लग रहे हैं थोड़ा थोड़ा, मैंने लाइट जलाई ना इस वजह से इसके पैर हिलने लगे हैं। और ज़रा सा भी एसी बंद करूँगी ना तुरंत जग जाएगा। अभी मैंने बंद कर दिया था, झाड़ू वाड़ू लगा रही थी, मैंने बिस्तर बिस्तर सब कर लिया है, सब कंप्लीट हो गया है। ये अलमारी बंद कर देती हूँ और इधर का नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इधर भी लाइट नहीं, ज़्यादा लाइट जला के नहीं रखती, एसी चलता है ना उसकी वजह से बहुत बिजली का बिल आ रहा है। वही हमारे बजट से बाहर हो रहा है एसी चलाने की वजह से। तो जो भी है गर्मी है तो इसलिए कर लेते हैं। और आज मेरे को क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ आपको। अब देख रहे हो यार बहुत तेज धूप निकला है। ये पेड़ पौधे में आज मैंने को खाद डालना है थोड़ा सा। और सबसे ये देखिए ये ना बारिश में गिर गया हमारा घर। ये देखिए ये किसी और के इस पे चल गया, वहाँ से गिरा पूरा। ये सब ना बरसात में गिर गया, हमें डर लगता है। और इधर हवा चल रही है मस्त थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा मैं इधर काम कर लूँगी। अभी कर देती हूँ बंद, पहले अंदर का काम ख़त्म करती हूँ। कर दिया बंद, अब मैं पहले अंदर का काम ख़त्म करती हूँ, बाहर का काम। ये देखिए थोड़ा सा दीवार दिख रहा है आपको, वो देखिए थोड़ा सा पर्दे के पीछे, इधर पूरा ना सीलन आ गया है। वही मकान मालिक को फ़ोटो खींच के भेजा है पूरा अंदर बाहर का। और ये देखिए बातें करते करते मैं ये जग गया। अब इसको मेरे को अटेंशन देना पड़ेगा एक घंटा, फिर काम करने देंगे मेरे बाबू। बाबू श्री ओ ओ आजा बेटू मेरा। दोस्तों अब मेरा बाबू हो चुका है एकदम, नींद पूरी कर लिया इसने। ये देख रहे हो जब नींद पूरी हो जाती है कैसे फ्रेश फ्रेश उठता है, नहीं तो रोता वो उठेगा। इधर देखो बेटू, दोस्तों क्या है हमारा घर है ये, हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन घर रेंट पे है लेकिन मकान तो हम, मकान जिसका भी होगा है लेकिन घर हमारा है, तो इसीलिए हमने फ़ोटो खींच के भेज दिया है। देखिए क्या है ना, ये DDA का मकान है तो बाहर बाहर का काम तो बिल्कुल ही नहीं कराते कोई, कहते सरकार कराएगा सरकार कराएगा, लेकिन हमारे लिए रिस्की हो जाता है घर में। यहाँ में ना इस दीवार में ये दीवार रुक जा बेटा एक मिनट रुको। हाँ ये देखिए दोस्तों दिख रहा है ये दरार, ये देखिए ये दरार, ये ना ये पिलर है, ये देखिए कोना, ये पूरा ऊपर तक गया है दरार।
इसके पापा को मैं बोल रही हूँ भाई घर चेंज कर लो कर लो, लेकिन कह रहे नहीं अभी यहीं रहना है, इसी में अभी रहना है। बजट प्रॉब्लम है, यहाँ से ज़्यादा हम किराया भर नहीं सकते, जितना भरते हैं इसका उससे ज़्यादा। इससे अभी हम यहाँ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं और हमारे बजट के अनुसार ही है, लेकिन अगर हम यहाँ से चले गए तो यहाँ इतना में कहीं नहीं मिल रहा। वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं तो इसलिए अभी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कब जाएंगे, कब माता रानी हमारे को बोलेगी जा भाई जी ले अपनी ज़िंदगी, तभी हम जाएंगे। और मेरा बाबू जाएगा हमारे साथ साथ, है ना बेटू। दोस्तों बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलती हूँ फटाफट। श्री को खाना खिलाऊंगी, कपड़े चेंज करूँगी इसके और खुद भी नहाऊंगी धोऊंगी, है ना मिट्ठू, है ना। थोड़ा बाहर गमले का काम कर लेती फिर उठता तो सही रहता, लेकिन अभी ये दोबारा सोएगा, 2-3 घंटे तो लगाएगा ही। तो मिलते हैं दोस्तों, बने रहिए मेरे ब्लॉग में और पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं और देखते पूरा वीडियो, क्या वीडियो ही नहीं देख रहा कोई भाई, तो देखिए दोस्तों मेरा वीडियो, देखने के बाद ही पता चलेगा सही गलत, रियल क्या बोलते हैं उसको, रील और रियल, कितना असली है कितना नकली है जो भी है। तो आप लोग वीडियो देखिए और सपोर्ट कीजिए मुझे भी और मेरे मिट्ठू को प्यार दीजिए, मेरे बेटू को, है ना बेटू, कि मैं बोलना नहीं आता हमें, जब मैं बोलूँगा ना फिर मैं बात करूँगा, अभी बस थोड़ा थोड़ा सा मुस्की देता हूँ मम्मी को। दोस्तों मैं हो चुकी हूँ एकदम नहा धोवा के रेडी और मेरा बाबू भी, ये देखिए, और ऐसे नहीं दिखता मेरा बाबू, ऐसे दिखता है, मैं बैठती हूँ फिर ये दिखेगा, ये देखिए। और नहा धोवा के खाना भी खा लिया है ना बेटू, खा लिया, और अब हम लोग जा रहे हैं नीनू करने। अब बज गए हैं घड़ी में, अब बज गए हैं घड़ी में 12:10 होने वाले हैं, और ये रहा मेरा बेटू, और अब हम माँ बेटे करेंगे नीनू, क्योंकि मैं भी सुबह से उठी हूँ तो थकान हो जाता है काम कर कर के। और मेरा बेटू अभी हनुमान चालीसा सुन रहा था, हनुमान चालीसा लगा दो मस्त टीवी देखेगा। और मैं और मेरे बाबू एकदम रेडी हैं नीनू करने के लिए, है ना। अब 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे में मेरा काम खत्म हो गया, अब हम मिलेंगे जब हमारी दीदी और भैया आएंगे, बताओ। और देखो झपट्टा मारने के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा बेटू नहाया, बाल गीला अभी, ये देखो सकल रो रहा है, रो रहा है, कैसे रो रहा है, इधर फोन में देखना बेटा, हाँ डांस करिए, डांस डांस कर, डांस कर, डिडिंग 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 डिडिंग, ऐ डिडिंग 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 डिडिंग, ऐ डिडिंग डिडिंग डिडिंग, हाय हाय मेरा बच्चा। दोस्तों मिलते हैं हम, ये देखिए कान्हा जी बांसुरी बजा रहे हैं और दूसरे कान्हा हमारे गोदी में खेल रहे हैं। चलो नीनू करें, अब ये नीनू करेगा, फिर हम उठ के दोपहर में रोटी खाएंगे जब भैया आ जाएगा, है ना। वो बासी भी लेने लग गया थोड़ा थोड़ा, कान देख रहा मेरे बाबू का, कान भगवान ने ऐसा ही कान बनाया मेरे बाबू का, ये सही नहीं होता, कब सही होगा। ये क्या है बिटू, ये गणपति जी महाराज की कान है मेरे बाबू का। तो दोस्तों मिलते हैं हम,
बने रहिए मेरे व्लॉग में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, अभी अभी सुबह हुई है और कल का वीडियो मैं आज कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल थोड़ा तबीयत सही नहीं था, अचानक से कुछ हो गया तो मैं दवाई लेके सो गई थी, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू कर पाई। लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और दवाई का वही असर तो होना ही था, तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज का वीडियो मैं यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। अभी इसके पापा और सिरी उस तरफ है, नाश्ता कर रहे हैं और मैं अभी अभी निकली हूँ नहा धोवा के, थोड़ा ठंडी में जोत जलाया है, जोत जगाया है, सॉरी जोत जगाया है अभी। तो मैं सोची पहले मैं आप लोगों को मिल लूँ, उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी। बाकी घर का काम हो गया है सारा, लास्ट स्टेज होता है हमारा नहाने का ही, आप लोगों को पता है कि लेडीज़ लोगों का क्या। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। सीताराम 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 सीताराम, ओहो नंगू पुंगू बाबू, गुलाटी मार रहा है ना बंदर सीताराम का वक्त। सीताराम सीताराम, हाँ सीताराम 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 सीताराम, और सीताराम। गुनगुन मार दूंगी मैं, ऐसे ऐसे कर रही। ये सीताराम का इसका टी शर्ट पहना पहना टी शर्ट छी गंदा बाबू, नंगा पुंगा, नंगा पुंगा बाबू। सीताराम कर बैठू, श्री सीताराम 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 सीताराम, आ गया बोटकू सीताराम सीताराम। मैंने भी वो पहन रखा है। हाँ दोस्तों, ये रहा मेरा मिठू, ये देखिए टीवी देख रहा है और ये देखिए कैसे देख रहा है, ऐसे ही बस आलती पालती मारेगा, आलती पालती। और ये देखिए हमारा किचन पूरा खेंदा हुआ है, अभी सब ये सब समेटना है। चाय मैंने बना ली है और पी भी ली है, और अब है खाना बनाने की बारी, ये सब धोने की बारी। दोस्तों ये रहा मेरा बाबू, बोल बेटू सीताराम, बोल सीताराम 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 सीताराम। हमने ना कल ही इसको सिखाया है सीताराम सीताराम करना, तो जैसे हम सीताराम बोलते हैं ये अपना ताली बजाने लगता है। तो ये सीताराम का जो क्या कहें, सीताराम एक ऐसा है, एक ऐसे वर्ड है उनके शब्द में, उनके नाम में इतनी महानता है कि छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल निमोह ही है, बिल्कुल जिनको कुछ नहीं पता, उन्हें भी उनके सामने भी सीताराम, और ये नहीं कि ये कर रहा है, बाकी इसके उम्र के जितने भी इससे बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, ऐसे ही दादी नानी पहले तो यही सब को करती थी मेरी दादी, तो हम लोग थे, हमने अपने छोटे भाई बहनों का देखा है सीताराम सीताराम करने से वो भी करने लग जाते थे, तो ये उनकी नाम में इतनी शक्ति है। तो वही, तो इसी के साथ दोस्तों मैं भी आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, क्योंकि अब हो चुका है थोड़ा खाना पीने का टाइम, बनाने का टाइम और बाल बच्चे की देख रेख करने का टाइम है ना। और मैं देखूँगी नहीं तो मेरा बेटू को कौन देखेगा, मेरे छोटू सा बेटू को। तब तक के लिए नमस्ते, जय सिया राम, और लाइक करें शेयर करें और बने रहें मेरे व्लॉग को देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें।
और क्या कहूँ मैं आपसे, आप तो सब देखने के बाद समझ ही गए होंगे। दोस्तों बाय 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 बाय, नमस्ते, जय सियाराम, जय सियाराम दोस्तों।